हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे पोला पर्व के बारे में। पोला त्यौहार जो 9 सितंबर 2018 को है, तो उसके महत्व के बारे में बताएंगे, पूजन विधि के बारे में बताएंगे और पौराणिक कथा भी हम आपको बता देंगे। देखिए, भारत जो देश है हमारा, वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि को अच्छा बनाने में मवेशियों का भी विशेष योगदान रहता है। चूँकि पोला पर्व मवेशियों से रिलेटेड है, इसलिए मवेशी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत देश में इन मवेशियों की पूजा की जाती है और पोला का त्यौहार उन्हीं में से एक है। जिस दिन कृषक जो किसान है गाय बैलों की पूजा करते हैं, बैलों के श्रृंगार और गर्भ पूजन का पर्व है पोला। किसी भी राज्य की सार्थक पहचान उनकी संस्कृति से होती है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूर्णतः कृषि कार्य प्रधान राज्य है और यहां के निवासी पूरे वर्ष भर खेती करते हैं। तो चलिए, फसल लहलहाने के समय, हरियाली आदि अवसरों और ऋतु परिवर्तन के समय को धार्मिक आस्था प्रकट कर पर्व उत्सव और त्यौहार के रूप में मनाते हुए जनमानस में एकता का संदेश देते हैं। बैलों की पूजन करके मनाते हैं त्यौहार। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पोला त्यौहार खरीफ फसल के द्वितीय चरण का कार्य पूरा हो जाने तथा फसलों के बढ़ने की खुशी में किसानों द्वारा बैलों की पूजन कर कृतज्ञता दर्शाते हुए प्रेम भाव अर्पित करते हुए त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि बैलों के सहयोग द्वारा ही खेती कार्य किया जाता है। पोला पर्व के पूर्व रात्रि को गर्भ पूजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अन्नमाता गर्भ धारण करती है, अर्थात धान के पौधों में दूध भरता है। इसी कारण पोला के दिन किसी को भी खेत में जाने की अनुमति नहीं होती है। रात के गांव में जब सब लोग सो जाते हैं, तब गांव के पुजारी, बैगा, मुखिया तथा कुछ पुरुष सहयोगियों के साथ अर्धरात्रि को गांव तथा बाहर की जो सीमा क्षेत्र है उसके कोने कोने में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के पास जाकर विशेष पूजा आराधना करते हैं और यह पूजन प्रक्रिया पूरी रात चलती है। अभी इस साल तो 9 सितंबर को है। अब इसका पोला नाम क्यों पड़ा? विष्णु भगवान जब कान्हा के रूप में धरती में आए थे, धरती पर आए थे, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, तब कंस से ही उनके कंस मामा उनके जान के दुश्मन बने हुए थे। तब से ही कान्हा जब छोटे थे और वासुदेव यशोदा के यहां रहते थे, तब कंस ने कई बार कई असुरों को उनको मारने के लिए भेजा था। एक बार कंस ने पोलासुर नामक असुर को भेजा था, इसे भी कृष्ण ने अपनी लीला के चलते मार दिया था और सबको अचंभित कर दिया था। और वह दिन भादो माह की अमावस्या का दिन था। इस दिन से इसे पोला कहा जाने लगा और यह दिन बच्चों का दिन कहा जाता है। इस दिन बच्चों को विशेष प्यार, लाड़ प्यार भी देते हैं। भारत जहां कृषि आय का मुख्य स्रोत है और ज्यादातर किसानों की खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बैलों की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में पोला पर्व मनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। पोला के पहले दिन किसान अपनी बैलों के गले और मुंह से रस्सी निकाल देते हैं। इसके बाद उन्हें हल्दी बेसन का लेप लगाते हैं, तेल से उनकी मालिश की जाती है। इसके बाद उन्हें गर्म पानी से अच्छे से नहलाया जाता है। अगर पास में नदी तालाब होता है तो वहां ले जाकर नहलाया जाता है। इसके बाद उन्हें बाजरा से बनी खिचड़ी खिलाई जाती है। इसके बाद बैल को अच्छे से सजाया जाता है, उनके सींग को कलर किया जाता है, उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, तरह तरह के जेवर, फूलों की माला उनको पहनाते हैं, शाल उड़ाते हैं और इन सब के साथ साथ घर परिवार के लोग नाच गाना करते रहते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बैलों के सींग में बंधी पुरानी रस्सी को बदलकर नए तरीके से बांधा जाता है। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अपने पशुओं को सजा कर लाते हैं और इसमें सबको अपने बैलों को दिखाने का मौका मिलता है।
फिर इन सब की पूजा करके पूरे गांव में ढोल नगाड़े के साथ इनका जुलूस निकाला जाता है। इस दिन घर में विशेष तरह के पकवान बनते हैं। इस दिन पूरन पोली, गुजिया, वेजिटेबल करी और 5 तरह की सब्जी मिलाकर मिक्स सब्जी बनाई जाती है। कई किसान इस दिन से अपनी अगली खेती की शुरुआत करते हैं। कई जगह इस दिन मेले भी लगाए जाते हैं और यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित होती है, जैसे कि वॉलीबॉल, रेसिंग, कबड्डी, खो खो वगैरह। अब हम पूजन प्रक्रिया पे आते हैं, जो हम आपको बता रहे थे। गांव में सारे पुरुष लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर। इनका प्रसाद उसी स्थल पर ही ग्रहण किया जाता है, घर ले जाने की मनाही रहती है। छत्तीसगढ़ में इस तरह मनाते हैं। इस पूजन में ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता जिनकी पत्नी गर्भवती हो। इस पूजन में जाने वाला कोई भी व्यक्ति जूता चप्पल पहनकर नहीं जाता, फिर भी उसे काटा कंकड़ नहीं छूटता है या शारीरिक कष्ट नहीं होती है। छत्तीसगढ़ होते ही गृहिणी घर से गुड़हा चिल्ला, अनरसा, सुहारी, चौसेला, ठेठरी, खुरमी, बरा, मुरकू, भजिया, मुठिया, ये सब पकवान बनाने में लग जाती है। तो ये तरीका होता है मनाने का, हर जगह का अलग अलग होता है। और शाम के समय गांव की युवतियां अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर मैदान या चौराहों पर पूरा पटकने जाते हैं। इस परंपरा में सभी अपने अपने घरों से एक एक मिट्टी के खिलौने को एक निर्धारित स्थान पर पटक कर फोड़ते हैं, जो कि नंदी बैल के प्रति आस्था प्रकट करने की परंपरा है। और युवा वर्ग कबड्डी, खो खो आदि खेलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये फोफो के बारे में मैंने आपको बताया, जो हमारा पोला जो पर्व है, और पोला पर्व खास करके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।